दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे पहले हम ग्रीन हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका नाम क्यों रखा, वास्तव में यह है क्या, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ ग्रीन हाउस पे गोला कर रखा है, अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि बेसिकली ग्रीन हाउस है क्या। ग्रीन हाउस वास्तव में कुछ नहीं है, एक हरे रंग के कांच की दीवारों का से बना एक घर है, ठीक है, और ये क्यों बनाया जाता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सूर्य की रे आती है इसमें, अल्ट्रावायलेट रे, जिसे हम कहते हैं यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, या आप हिंदी में कह सकते हो पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूर्य की किरणें पराबैंगनी किरणें जैसे ही इस पर पड़ती हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो इसकी दीवारें हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। ये आपकी एक हरे कांच की होती हैं, हरे कांच की ये दीवार होती है, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये वही बेसिकली जो ये इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये ठंडे इलाके जो होते हैं आपके, ठंडे इलाकों में गर्म मौसम की फसल उगाने के लिए किया जाता है, गर्म मौसम की फसल उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो समझना है आपको कि ठंडे इलाकों में गर्म मौसम, मतलब आपको यहां से पता चल गया होगा कि इसके अंदर जरूर गर्मी बनने वाली है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रे इसमें आती हैं, ठीक है, तो इस गिलास को पार तो कर जाती हैं, पार तो इसकी दीवारों कर जाती हैं, पर जैसी अंदर जाती हैं तो वो बाहर निकलने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, और अंदर जाने के बाद में यहाँ पेड़ पौधे आपके रहते हैं, यहाँ आपके रहते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ पौधों के द्वारा और ये जितनी भी अंदर आपकी जो रे हैं ये इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इन्फ्रेड रे में, इन्फ्रेड रे मतलब अवरक्त किरणों में। इनकी जो कैपेसिटी होती है इसको पार करने की बहुत अधिक होती है और इनकी थोड़ा कम होती है। अब ये अवरक्त किरणों में बदल जाती हैं, अवरक्त किरणों में, ठीक है। तो मतलब कहने का ये, जैसे ही सूर्य की किरणें इस पर आई, ठीक है, और पेड़ पौधों पे पड़ी और यहाँ का जो माहौल था वो गर्म हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, उस गर्म थोड़े गर्म माहौल ने और उन पेड़ पौधों ने आपस में रिएक्ट करके उनको, ये जो आपकी यूवी रे थी इनको बदल दिया है इन्फ्रेड रे में, मतलब अवरक्त किरणों में इन्होंने बदल दिया है। अब अवरक्त किरणें इतनी मजबूत नहीं होती कि वो पुनः इनको वापस पहुंचा सके, अब वो वापस नहीं पहुंच पाती, इसके कारण अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। आपको समझना होगा कि अल्ट्रावायलेट रे जो है इन्फ्रेड रे में आपकी बदल जाती है, मतलब पराबैंगनी किरणें जो है आपकी वो आपकी अवरक्त किरणों में बदल जाती हैं, जिसके कारण वो उस कांच की दीवारों को पार नहीं कर पाती हैं और अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए ठंडे इलाकों में हम ग्रीन हाउस बनाकर आप विपरीत प्रकार के मौसम की, विपरीत तरह की जो फसल है आपकी वो आप उस मौसम में उगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी को ही ग्रीन हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिक्र क्यों किया मैंने, यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिक्र क्यों किया, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ग्रीन हाउस से ही लिया हुआ एक वर्ड है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ऐसा होता है, सूर्य की किरणें जैसी पृथ्वी पर आती हैं, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जैसी पृथ्वी पर आती हैं, तो उन्हें बीच में कुछ गैसों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी एक जो गैसें होती हैं वो एक कांच की तरह कार्य करती हैं उस पर। जैसे कि मैं कुछ ग्रीन गैसों के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद N2O हो गया, ठीक है, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। मीथेन हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसें हैं, और इसके बाद क्या हो गया आपका जलवाष्प हो गया, और आपकी बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रोल है ग्रीन हाउस गैसों का वो CO2 का है, ठीक है। ये CO2 लगभग 60% रोल अपना निभाती है ग्रीन हाउस गैसों में। उसके बाद N2O की अगर मैं बात करूँ, N2O का केवल 6% का रोल है नाइट्रस ऑक्साइड का, और अगर मैं CFC की बात करूं तो ये 14% इसका रोल है, और अगर मैं मीथेन की बात करूं तो इसका 20% का रोल है, ठीक है। अब ये गैसें जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं,
तो ये बिल्कुल एक कांच की तरह काम करती हैं, जैसा कि मैंने आपको ग्रीन हाउस में इसमें बताया, ग्रीन ये जो कृत्रिम घर हमने बनाया था आपको पता ही चल गया है मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आपको ठंडे इलाकों में गर्म मौसम की आपको अगर फसल उगाना है तो इसके लिए आपको कृत्रिम तरीके से इसको बनाना पड़ता है। तो उसी की तरह हमारा जो वायुमंडल है इन गैसों के द्वारा बिल्कुल वो भी इसी तरह काम करता है ग्रीन हाउस की तरह। कैसे कि अब जैसे सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रे आती है तो इन गैसों से होके जाती है, गैसों के द्वारा सूर्य की किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे वे पृथ्वी से टकराती हैं जाके, टकराने के बाद में अब जैसे पृथ्वी से टकराई वहाँ का तापमान बढ़ा थोड़ा सा, ठीक है, और ये गैसें इन्होंने आपस में रिएक्शन करके अल्ट्रा वायलेट रे को, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अल्ट्रा वायलेट रे को इन्होंने चेंज कर दिया इन्फ्रेड रे में, इन्फ्रेड रे में मतलब पराबैंगनी किरणें जो आपकी बदल गई हैं वो किसमें बदल गई, आपकी अवरक्त किरणों में, अवरक्त किरणों में वो चेंज हो गई हैं। अब अवरक्त किरणें इतनी मजबूत नहीं होती जो इन गैसों को पुनः वापस पहुंचा सके, वापस वायुमंडल से बाहर निकाल सके। अब इसका परिणाम क्या होता है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहीं से आपको डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछने लगे कि ग्रीन हाउस होता क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, कि सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे हैं वो ग्रीन हाउस गैसों से टकराकर पार तो हो जाती हैं, पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस पुनः वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप उसका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम इन गैसों के एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे कि इनकी उपस्थिति से क्या होता है और अनुपस्थिति से क्या होना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो योगदान मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि वो आपका योगदान है किसका, CO2 का, CO2 का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है वायुमंडल में, कहाँ और इसकी कमी क्यों हो रही है, बढ़ क्यों रही है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वे क्या करते हैं, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड से ही आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो जो चीज़ें हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी से इनका नियंत्रण हो पा रहा है, ठीक है। अगर आप पेड़ पौधों की कटाई करना शुरू कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होनी कम हो जाएगी, ठीक है, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, और पेड़ पौधों का, इसलिए तो कहते हैं वनोन्मूलन करना चाहिए, मतलब कि वृक्षारोपण करना चाहिए आपको, ठीक है, वनोन्मूलन से जो है आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो जैसे कि आपको पता है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है आपको, एक तो ये इसकी वो है, दूसरा पॉइंट मैं इसका बता देता हूँ, वनोन्मूलन कह सकते हो आप, ठीक है। तो वनोन्मूलन कैसे, ये दो पॉइंट बहुत खास हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के। कैसे कि जैसे आपको पता है हम लोग जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, ठीक है। उसी तरह से वनोन्मूलन क्यों बोला, वनोन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई, ठीक है। जैसे कि आपको पता है पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनाते हैं वो अपना, ठीक है। तो जैसे वो अपना भोजन बनाते हैं अगर आप उन्हें कटाई करोगे उनकी अधिक से अधिक, तो पेड़ पौधे होंगे नहीं, और होंगे नहीं तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कंज्यूम करते रहते हैं इनकी मात्रा को, मतलब नियंत्रित रखते हैं CO2 की मात्रा को, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमको लगाने चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ इसकी नाइट्रस ऑक्साइड की, N2O बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसकी बात करता हूँ, इसके लिए क्या होता है, ये कहाँ से आ रही है, ये आपका जैविक ईंधन जो होता है ना, आपका जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन हुआ, जीवाश्म ईंधन हुआ आपका, है ना, ये क्या है आपके जीवाश्म ईंधन हुआ और आपके रासायनिक खाद हो गए, ठीक है, रासायनिक खाद, इन तीनों के जब रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन से जो ये N2O वहां से हमें को मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसकी मात्रा इन चीजों से, जैविक ईंधन का आप यूज कर रहे हो, जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हो, या आप रासायनिक खादों का यूज कर रहे हो, वहां से N2O की मात्रा आपको मिल रही है, ठीक है, वहां बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, CFC की अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा हमें कहां से मिलती है भाई, इसकी मात्रा आपको पता होगा, आप AC का यूज करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, AC रेफ्रिजरेटर जो ये सब चीजें होती हैं,
यहाँ से इनके इनमें जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो बहुत जहरीली गैस है वायुमंडल के लिए, ठीक है। ओजोन परत के लिए तो मैंने आपको यहाँ एक बात और नहीं बताई, यहाँ पे एक ओजोन भी होती है जो एक परत है, ओजोन परत जो क्या नाम है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओजोन गैस इसकी जो परत है क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर सूर्य की डायरेक्ट किरणें अल्ट्रावायलेट रे जो हमारे शरीर पे पड़ जाए तो वहां से त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो उससे हमारी रक्षा करती है ये ओजोन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो AC और रेफ्रिजरेटर वगैरह से CFC निकलती है। अब बात करते हैं सबसे बाद में CH4 की, जो CH4 है ये कहाँ से आती है, ठीक है, मीथेन। तो मीथेन की अगर हम बात करें, मीथेन के कई तरीके हैं कि जहाँ से आपको पता चलता है कि मीथेन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये जो आपके पशु वगैरह होते हैं ये जुगाली करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है आपकी जो है मीथेन गैस बनती है पशुओं की जुगाली से, ठीक है, आप कह सकते हैं पशुओं की जुगाली से मीथेन गैस बनेगी। पशुओं की जुगाली लगा लो या फिर भाई पशुओं की जुगाली से भी मीथेन गैस बन रही है, ठीक है। और दूसरा आपका जो दीमक होती है, दीमक, ठीक है, दीमक के फर्मेंटेशन से मतलब किण्वन से, दीमक जो किण्वन होता है उनसे आपकी मीथेन गैस बनती है, ठीक है। और आपके माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं ये जो है बायोडिग्रेड होते रहते हैं जैसे, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से भी आपकी मीथेन गैस बनती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन धान के खेत से होता है, धान के खेत से, ठीक है, या आप कह सकते हो नम भूमि से, ठीक है, या दलदली भूमि जो आपकी होती है, दलदली भूमि, यहाँ से सबसे ज़्यादा लगभग 30% आपका CH4 का जो है यहाँ से उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जलवाष्प के बारे में तो आपको पता ही है, ओजोन आपको पता ही है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बनती है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस है क्या और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या इनसे नुकसान है। तो ये चीज़ें आपको बताना मैं चाह रहा हूँ, अगर ये जो गैसें हैं अगर इनकी मात्रा घट जाएगी, अगर इसमें इनकी मात्रा घट जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब अगर आपको मैं बताऊं आज के टाइम में पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का जो औसत तापमान मापा गया है वो मापा गया है 15°C। अगर ये गैस ना होती, अगर ये गैस ना होती तो पृथ्वी का तापमान -18°C होता, अगर ये गैस ना होती, ये जितनी भी गैसें मैंने आपको बताई हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब इनके बढ़ने से और घटने से दोनों से ही प्रॉब्लम है, अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती चली जाएगी, ठीक है, और अगर इनकी मात्रा घट जाती है तो पृथ्वी ठंडी होती चली जाएगी, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। तो इसलिए इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके लिए सम्मेलन भी किए जा रहे थे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, जापान के क्योटो में 1997 में कई देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे, क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुना होगा आपने, क्योटो, ठीक है, और ये जापान में है, ठीक है, और ये कब हस्ताक्षर किए उन्होंने 1997 में, ठीक है, परंतु जो ये लागू हुआ था ये हुआ था 2005 से लागू थे। अब इस चीज़ को लेके एक देश ऐसा था जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको सुन के भी ताज्जुब होगा कि इस देश ने क्यों नहीं किया, भाई ये तो बहुत सराहना का काम है। तो मैं आपको बताऊँ, USA एक ऐसा देश था, अमेरिका, जिसने इस प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किए थे, बाकी सभी देशों ने प्रोटोकॉल जो आपके खास जो अहम रोल प्ले करते हैं कार्बन उत्सर्जन वगैरह में, तो उन्होंने की कार्बन उत्सर्जन का नाम मैंने ले लिया है, तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। ये होता है कार्बन क्रेडिट, हर कंपनियों को क्रेडिट दिए जाते हैं, अगर कंपनी उस क्रेडिट से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो उस पर टैक्स लगता है, जुर्माना लग सकता है, परंतु अगर उससे कम कर रही है और उसके क्रेडिट बच जाते हैं तो वो कंपनी अपने क्रेडिट किसी और को भी बेच सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में फुल डिटेल से पढ़ाया है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।